Hello students, you are welcome in RC Education Hub. Today we are going to talk about a new topic and the name of topic is STEM. लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर जो है अपन ने मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की थी, मॉर्फोलॉजी होती क्या है, इसके अलावा रूट के बारे में बात की थी, रूट होती क्या है, रूट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रूट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके अलावा रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की थी। So today we are going to talk about STEM. STEM होता क्या है और STEM के अंदर कौन कौन से जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि STEM जो है ये होता क्या है। STEM इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। STEM जो है एक असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का, जो जनरली प्लूमूल से डेवलप होता है। अगर आपको सीड की स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने किस तरह की सीड की स्ट्रक्चर बनाई थी, दिस इज प्लूमूल, दिस इज रेडिकल। तो ये जो प्लूमूल है, दिस अपरमोस्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग स्टेम। प्लूमूल तो जो है स्टेम को फॉर्म कर रहा है और रेडिकल किसको फॉर्म कर रहा है, रूट को। इट मींस द स्टेम इज फॉर्म बाय द प्लूमूल पार्ट ऑफ द सीड। ये सीड के जो है प्लूमूल पार्ट से फॉर्म होता है और बेसिकली जो है ये असेंडिंग पार्ट होता है, कभी भी सोइल के नीचे नहीं पाया जाता है। कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर ही जो है ये जमीन के नीचे पाया जाता है, अदरवाइज इट ऑलवेज ग्रो असेंडिंग। इसके अलावा अपन देखेंगे कि स्टेम के अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन वन बाय वन एक करके डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले तो जो स्टेम होता है इट इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज नोड्स। And in between two nodes, दो नोड के जो बीच वाला जो रीजन होता है that region is known as internode. That region is known as internode. जो भी प्लांट के अंदर कोई भी नई स्ट्रक्चर्स ग्रो होती हैं, लाइक ब्रांचेस आर डेवलपिंग, लाइक लीव्स आर डेवलपिंग, जो भी नई स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही हैं वो बेसिकली प्लांट के कौन से पार्ट, स्टेम के कौन से पार्ट से डेवलप होती हैं, नोड से डेवलप होती है। तो ये जो है स्टेम के पार्ट है, नंबर वन इज द नोड एंड सेकंड इज इंटरनोड। इसके अलावा अपन ने ये भी देख लिया है कि स्टेम इज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम प्लूमूल। ये जो भी अपन ने अभी सीड डाला है, खेत के अंदर सीड डालने के बाद में उससे स्टेम ग्रो हो रहा है। तो जो इनिशियली जो स्टेम होता है वो कलर के अंदर ग्रीन होता है, इट इज क्वाइट फोटोसिंथेटिक। बट जैसे ही स्टेम धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है, मैच्योर होने के बाद में वो ग्रीन नहीं रहता है, ग्रीन नहीं रहने की वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता है। आप एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का जो है ऊपर ग्रो करने वाला पार्ट है जो कि हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है। सेकंड इट इज डेवलपिंग फ्रॉम प्लूमूल, ये जो है सीड की प्लूमूल पार्ट से डेवलप होता है। और थर्ड इट इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नंबर वन इज नोड एंड सेकंड इज इंटरनोड। नंबर फोर्थ है इट हैज मल्टी सेलुलर हेयर्स। जिस तरीके से अपने रूट के अंदर देखा था कि रूट के अंदर जो है यूनिसेलुलर हेयर्स ग्रो हो रहे हैं जिनको अपने रूट हेयर नाम दिया था, दो वर एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स। सेम उसी प्रकार से कुछ स्टेम्स के अंदर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि मल्टीसेलुलर होती हैं, जिनको अपन ट्राइकोम बोल रहे हैं, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्राइकोम। और इन ट्राइकोम का फंक्शन होता है कि नेचर से जितनी भी मतलब की जो वेपर्स होती है उनको एब्जॉर्ब करना। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर दैट इज द लिटिल ब्रांचेस आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। स्टेम के अंदर से जो भी कोई ब्रांचेस निकल रही हैं वो एक्सोजीनस होती हैं ओरिजिन के अंदर, मतलब कि बाहर से ही एपिडर्मिस से डेवलप होती हैं। जबकि अपन ने रूट के अंदर देखा था कि जो भी लिटिल ब्रांचेस या लिटिल रूट्स निकल रही थी मेन रूट से वो एंडोजीनस थी ओरिजिन के अंदर, मतलब कि अंदर वाला जो रीजन था, अंदर वाले जो टिश्यूज थे लाइक पेरिसाइकिल उससे डेवलप हो रहे थे। जबकि स्टेम के अंदर वो किससे डेवलप हो रहे हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मल ओरिजिन। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक का मतलब क्या है कि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ मूव करता है। स्टेम हमेशा लाइट की तरफ मूव करता है। और रूट के अंदर आपने देखा था रूट जो है नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है बिकॉज दीज आर ऑलवेज ग्रोइंग डाउनवर्ड, जमीन के नीचे ग्रेविटी की तरफ ये जो है ग्रो कर रही है, जबकि स्टेम के अंदर इसका ऑपोजिट पाया जा रहा है। इसके अलावा स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक। स्टेम जो है नेगेटिवली होता है, मतलब कि ये नीचे की तरफ ऊपर ग्रो नहीं करके ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, कभी भी ग्रेविटी की तरफ मूव नहीं करता है, ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, यंग स्टेम इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस। जैसे ही प्लांट के अंदर अभी स्टेम यंग है, अपने सीड डाला ही है, उससे जो है प्लूमल से स्टेम निकला ही है, उस वाली कंडीशन के अंदर जो है स्टेम ग्रीन होता है और ग्रीन होने की वजह से जो है फोटोसिंथेटिक होता है। इट मींस इट इज एबल टू सिंथेसाइज इट्स फूड। ये सारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं स्टेम की, जो कि लगभग हर वैरायटी के स्टेम के अंदर पाई जाती है। ओके, थैंक यू।